हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और वेलकम है आपका मेरे चैनल दिव्यास किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मनचाव सूप की रेसिपी। विंटर्स चल रहे हैं, सूप तो सभी के फेवरेट होते हैं, तो उसी में से एक मनचाव सूप हम आज बनाने जा रहे हैं मेरे तरीके से। इस सूप के ऊपर क्रिस्पी नूडल्स बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, तो आइए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। और रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली नई रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो मनचाव सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नूडल्स ले लिए हैं। ये बॉईल करे हुए नूडल्स पहले से ही रखे हुए थे। इसमें अभी हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यूज किया है और इसको अच्छे से नूडल्स पे कोट कर देंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाना है, हर एक नूडल्स पे इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए। इतने अच्छे खिले खिले नूडल्स हो गए हैं। अभी हम थोड़े से नूडल्स लेंगे इस तरीके से और इसका एक छोटा सा नेस्ट जैसा बना लेंगे। और यहाँ पे मेरा ऑयल भी गर्म हो गया है तो इसको अभी हम डीप फ्राई कर लेंगे। हम इसे डाल देंगे, बाकी के भी हम इसी तरीके से डाल देंगे। और इसे अभी हमें डीप फ्राई करना है हल्का सा कलर चेंज होने तक। बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं सेकेंगे, थोड़े से आप जब इसको चलाएंगे तो आपको पता चलेगा ये क्रिस्पी हो गए हैं। आप बस तभी इन्हें निकाल लें बाहर। तो ये देखिए मैंने इन्हें यहाँ से पलट दिया है, पलट पलट के इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये वाला हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और बाकी के भी जो नूडल्स बचे हैं उनका भी हम इसी तरीके से क्रिस्पी नूडल्स रेडी कर लेंगे। सूप के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में बटर ले लिया है और इस बटर में मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली चॉप करके और चॉप किया हुआ अनियन। इसको अभी हम सौते कर लेंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसको बस इस तरीके से 2 सेकंड के लिए चलाते रहेंगे। तो अभी ये रेडी हो गई है। इसमें मैं डाल रही हूँ गाजर, यहाँ पे मैंने चॉप करके ये गाजर लिया है। और इसी में डालेंगे कैबेज, पत्ता गोभी को भी मैंने इसी तरीके से चॉप कर लिया है। फ्रेंच बीन्स डाल रही हूँ मैं चॉप किया हुआ और इन सभी को मिक्स कर देंगे और 2 सेकंड के लिए इसको हमें इसी तरीके से फ्राई करना है। तो अभी ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस 1 चम्मच के करीब और थोड़ा सा डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी डाल रही हूँ काली मिर्च और 1 चम्मच मैं यहाँ पे विनेगर यूज़ कर रही हूँ और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरा जो सोया सॉस है वो थोड़ा डार्क सोया सॉस है, अगर आप लाइट सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच सोया सॉस भी डाल सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं रेडी हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ अब पानी, इसमें मैंने 1.5 ग्लास के करीब पानी डाला है। तो इसको अभी हम बॉईल होने देंगे। तो अभी देखें आप, एक बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी, यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 1 चम्मच के करीब। इसको मैं पानी डाल के और एक घोल रेडी कर लूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, एक हाथ से इसे मिक्स करते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालते ही ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन और थोड़ा सा डाल रही हूँ कोरिएंडर फ्रेश चॉप किया हुआ। इन सभी को मिक्स कर देंगे और एक बॉईल आने देंगे। तो ये देखिए हमारा मनचाव सूप बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको अभी हम कर लेते हैं फटाफट सर्व। तो मैंने ये सूप को एक बाउल में निकाल लिया है। और इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ जो हमने नूडल्स फ्राई करके रखे हुए थे क्रिस्पी, उनको थोड़ा सा इस तरीके से क्रश करके, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऊपर से। ये देखिए मज़ेदार हमारा मनचाव सूप बनके रेडी हो चुका है। आप इसको गर्मा गर्म इंजॉय करें, विंटर्स में बड़ा ही अमेजिंग लगता है। इसके ऊपर के ये जो क्रिस्पी नूडल्स हैं ये मेरे फेवरेट हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।